अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज जो मैंने आपसे बात करनी थी वो अभी ही कुछ एक दो दिन ही हुए हैं और एक बहुत अच्छी हस्ती इस दुनिया से चली गई है, रुखसत हो गई है। इनका नाम नवाब जहांगीर खान जी, मोहम्मद जहांगीर खान जी है। और ये जो है जूनागढ़ स्टेट के ये हेड थे, यानी कि उनके नवाब थे। जूनागढ़ स्टेट की बहुत एक दुखी हिस्ट्री है और बहुत सैड है। नवाब साहब जिनका भी इंतकाल हो गया, वो उन्होंने जूनागढ़ स्टेट देखा नहीं, वो वहाँ पैदा नहीं हुए, वो पाकिस्तान में पैदा हुए। क्योंकि जब उन्होंने आँख खोली तो जूनागढ़ स्टेट उस वक्त तक इंडिया ने उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर दिया था, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और आज तक कश्मीरी रोते हैं अपनी आज़ादी के लिए, और इंडिया कैसे कैसे टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करता है उनका मुंह बंद करने के लिए, वहाँ पे इंजीनियस पीपल ताकि लगे कि कम है तो उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स भी दूसरों को, और लोग वहाँ जाके बस जाएँ ताकि पॉपुलेशन में मुस्लिम्स कम लगें, और जब वोट वगैरह हो अगर यूनाइटेड नेशंस का तो उसमें लगें कि मुस्लिम्स तो कम है, मेजॉरिटी में नहीं है। मगर जूनागढ़ स्टेट जब जैसे 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तो जूनागढ़ स्टेट में अक्सरियत यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, और उन सब ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान के साथ होना है। उस वक्त ये हो रहा था कि आप जहाँ जहाँ आप लोग एक्सेशन कहाँ जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहे हैं या इंडिया के साथ रहना चाह रहे हैं। तो वहाँ तो सारे मुसलमान थे जूनागढ़ स्टेट में, ये इंडियन गुजरात के अंदर है और इसके थ्री साइड्स जो है वो इंडिया से कवर्ड है और एक साइड जो है जो 100 मील तक का है वो पोर्ट है। तो काफ़ी एक रिच स्टेट थी ये। जूनागढ़ स्टेट के साथ ये भी है कि ये जो है ये वजूद में कब आई, ये 1700s में वजूद में आई थी। जब बहुत सारे इसकी हिस्ट्री जो है जैसे 1735 के अंदर तो बहुत सारे जो नवाब साहब की फैमिली और जो भी वहाँ पे बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने जो मुग़लों के लिए काम किया था, तो मुग़ल्स जो थे जब उनके लिए कोई काम करता था और उनको खुश करता था तो उनको बदले में मुग़ल जो थे वो जागीर देते थे, ज़मीन देते थे, प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी होते 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 इतनी हो गई थी, और जब मुग़ल कमज़ोर होते दिखे तो 1735 में ये जो खांजी फैमिली और ये सारे जो नवाब्स थे इन्होंने सोचा कि हम सबको जो जागीर दी है तोहफे में मुग़ल्स ने, क्यों ना हम इसे कंसोलिडेट कर लें, हम इसे जोड़ दें और हम एक सॉवरेन स्टेट बना दें जिसका नाम जूनागढ़ स्टेट रख देते हैं। तो उन लोगों ने ये इस तरह से किया कि सारी अपनी जागीरें जोड़ दी, इतनी ज़मीन बन गई इतनी ज़्यादा कि 4000 यानी कि स्क्वायर माइल्स तक वो फैली हुई थी, और वो पूरी स्टेट बन गई और वो बहुत रिच स्टेट थी, और यानी कि वॉज द फोर्थ और फिफ्थ रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्योंकि उसके पास पोर्ट था। और फिर जब पाकिस्तान बने, इतने साल गुजरे फिर पाकिस्तान बना, तो उन्होंने कायदे आज़म को के साथ साइन की पूरी ट्रीटी थी, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो था वो पूरा साइन किया कि हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान हैं, तो हमें आप जब पाकिस्तान जब बनेगा तो हम भी पाकिस्तान हैं, तो हम आपके अंदर शामिल हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया था। और जहांगीर खान जी साहब जो है इनके दादा मोहब्बत खान जी, उन्होंने द थर्ड, मोहब्बत खान जी द थर्ड, उन्होंने कायदे आज़म के साथ उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जाहिर है वो इतनी रिच स्टेट थी, ये बात इंडिया को बहुत नागवार गुजर रही थी, और क्योंकि थ्री साइड्स जो उसके तो इंडिया से कवर्ड है और एक साइड समुंदर से, तो कोई मुश्किल नहीं था इंडिया के लिए टू जस्ट मार्च इनटू द प्लेस, और वो उन्होंने आके उस पर ऑक्यूपाई कर लिया। ये नवंबर की तारीख थी कोई, मेरे ख्याल से 17 नवंबर 19 यानी कि सितंबर 15 को उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था, और 11 नवंबर 1947 को इंडिया ने अटैक करके वो उसके अंदर वॉक इन करके मार्च इन करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वो ऑक्यूपाई हो गया। वहाँ से किस तरह से नवाब साहब के दादा जो उस वक्त वहाँ के रूलर थे
वो अपनी फैमिली को लेके वहां से निकले हैं और वो पाकिस्तान आए हैं, और उन्होंने ये क्योंकि डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ था, यूनाइटेड नेशंस भी था, कि दुनिया को पता था कि ये एक रूल है कि अगर वो कह रहे हैं, जो सारे मेजॉरिटी कह रही है कि हम इस साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये इन्हीं का राइट है। तो उन्होंने यहाँ पे आके खुद को यहाँ पे उस वक्त के जो गवर्नर थे उनका उनके साथ यहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर, यानी सिंध के गवर्नर के साथ खुद वहां रहे, और जो पूरी फैमिली थी खान जी की, वो काफी लोग थे, ये यहाँ ही कराची के होटल्स वगैरह में इन्होंने स्टे किया, कि उन्होंने सोचा कि अभी कुछ अरसे में रिजॉल्व हो जाएगा इशू, ये क्या हो गया है, सब सही हो जाएगा, क्योंकि उसूलन इंडिया गलत था, तो दुनिया देख लेगी और हमें जूनागढ़ स्टेट जो है वापस जो है वो लोग मानेंगे कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान है, और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। तो वो यहाँ पे रुके हुए थे, मगर इतने टाइम गुजरता गया, अब वो कॉन्स्टेंटली तो वो नहीं रह सकते थे। सो जो गवर्नर थे सिंध के उस टाइम पे 1947 में, लाइक गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, तो ये कॉन्स्टेंटली तो वहाँ नहीं रह सकते थे। फिर इन्होंने फ्रेयर हॉल के पीछे जो रोड है फातिमा जिन्ना रोड, वहां पे अपना दादा ने इनके घर बनाया, जिसका नाम है जूनागढ़ हाउस। जूनागढ़ हाउस बहुत लाइक अच्छी जगह पे है, फैला हुआ है, बड़ा है, उसमें जो घर है, एक घर है उसमें कमरे में जगह जगह इनके एंसेस्टर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो खजाने लेकर आ सकते थे अपने साथ, जो पुरानी तस्वीरें, बेचारे क्या लेकर आ सकते थे जल्दी में, जो भी था वो लेकर आए और उन्होंने वहां रखा हुआ है। तो हाँ, मेरा उनसे मिलना कैसे हुआ था, क्योंकि मेरा शौक है, जो आप लोग अगर जो भी डॉन पढ़ता है उनको पता होगा कि मुझे शौक है क्लासिक कार्स वगैरह, और उनके जब प्रोग्राम होते हैं और इवेंट्स होते हैं, क्लासिक कार्स की रैलीज होती हैं, तो मैं हमेशा कवर करने जाती हूँ। तो क्लासिक कार्स की अक्सर जो रैलीज होती थी, तो जब वो शुरू होती थी तो वो एक जगह सारी असेंबल होती थी, और वो जूनागढ़ हाउस में होती थी, और वहाँ पे पहली दफ़ा मुझे जहांगीर खान जी साहब मिले थे, और उन्होंने मुझे इतने अच्छी तरह बात की थी, मुझे कुछ तो आइडिया था कि जूनागढ़ के साथ क्या हुआ है। अच्छा, उनकी भी क्लासिक गाड़ियाँ थी, और एज द यू नो रूलर ऑफ जूनागढ़ यहाँ पे देखो उसको नंबर प्लेट की जगह वो जूनागढ़ 1, जूनागढ़ ऐसे 2, इस तरह की नंबर प्लेट्स होती थी उनकी गाड़ियों के ऊपर, जो वहीं से लेकर आए थे, पुरानी गाड़ियाँ थी, तो वो उस रैली में शामिल होती थी। मगर ही वॉज व्हेन आई मेट हिम, मैंने सलाम किया एंड ही वॉज सो स्वीट एंड सो नाइस, कि फिर मैंने पूछा इधर उधर से ना कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये कौन है? तो उन्होंने बोला तुम्हें इनकी हिस्ट्री नहीं पता, मेरे को कुछ कुछ आइडिया है, बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट। और उन्होंने खुद भी मुझे, जहांगीर खान जी साहब ने, खान जी ने कहा था कि बेटा तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री बताऊंगा। उस वक्त मैं उनके बेटे से भी मिली थी, मोहम्मद अली मुर्तजा खान जी साहबजादा, उस वक्त के साहबजादा नहीं नवाबजादा कहते हैं, उस वक्त वो नवाबजादा थे, अभी जो उनकी डेथ हुई है अब वो नवाब बन चुके हैं। तो अभी उनका जनाजा, कल जो उनका कॉफिन जो पाकिस्तान के झंडे में ड्रेप्ड था, और वो बेचारे सारी जिंदगी कहते रहे, एक ही नारा था उनके आखिरी सांस तक, वो यही कहते थे जूनागढ़ इस पाकिस्तान, जूनागढ़ इस पाकिस्तान। बहुत उन्हें खुशी हुई जो अभी कुछ एक दो साल पहले इमरान खान ने पाकिस्तान का जो नक्शा, जो दोबारा से जो रिवाइज और नया नक्शा जो था, उसके अंदर जूनागढ़ को जो इंडियन गुजरात के अंदर है उसको पाकिस्तान बताया था हमारे नक्शे में, पाकिस्तान के नक्शों के अंदर, कि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उनको बहुत खुशी भी हुई थी, और मगर ऑफ कोर्स ही नेवर वेंट देयर, और बस उन्होंने कहानियां सुनी थी और अपनी माँ से भी सुनी थी, विच इज सैड के एक्चुअली जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी वालदा हयात है, और उनकी वाइफ जो है 2 महीने पहले ही मई 2 तारीख को उनका इंतकाल हो चुका था, उनकी वाइफ का, वो 2 बच्चे छोड़ के गए हैं, मरियम और मुर्तजा, और अब जो है अब मोहम्मद अली मुर्तजा जो हैं वो अब नवाब हैं ऑफ जूनागढ़, उनको पगड़ी पहना दी गई है। और ये बहुत सैड टाइम होता है कि आपकी कोई खुशी भी नहीं रहती, क्योंकि आपका बुजुर्ग, आपके फादर की डेथ हुई है और आपको पगड़ी पहनाई हुई है, तो वो खुशी का भी वो नहीं होता। अभी जो प्रिंस चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स बना, तो उसकी वो माँ की डेथ मॉन कर रहा था, या अपनी वो खुशी ताजपोशी की वो दिखाता, तो खैर बट ये होता है जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जो रूलर्स होते हैं उनके साथ, जो जिनको अपने बाप का नाम आगे चलाना होता है, तो वेरी सैड बट दिस हैपेंड।
एक चीज और ये भी के अच्छा हाँ जब वो मुझे मिले थे तो जो थे ना बड़ा वो उनके यहाँ पे मोनोग्राम लगा हुआ था उनका निशान स्टेट का ना कि उस पे शेर बने हुए हैं शेर, तो उनको ये जो था उनको क्वीन विक्टोरिया ने दिया था वो जो मोनोग्राम जो है जिसको आप यानी के उसको वो पहनते थे ना यहाँ पे और उसके ऊपर वो पाकिस्तान के झंडे की छोटी सी पिन भी लगाते थे, तो वो जो था उनको क्वीन विक्टोरिया ने उनको प्रेजेंट किया था जब वो क्वीन बनी थी इंडिया की उनकी फैमिली को, वो आज तक वो भी पहनते थे, वो अपना पूरा शेरवानी वगैरह के अंदर जब अपना वो ट्रेडिशनल अटायर पहनते थे तो यहाँ साइड पे उनके इस साइड पे तलवार भी लगी होती थी, तो जब मैंने देखा था तो तलवार थी तो मैंने पूछा था कि सर क्या आप जंग लड़ने आए हैं ये तलवार, तो उन्होंने बेटा वो उन्होंने निकाल के दिखाया और बोला ये वॉकिंग स्टिक है, एज अ ट्रेडिशन दिख तो तलवार रही है मगर मुझे छड़ी की जरूरत होती है तो ये वॉकिंग स्टिक है। सैडली उनकी एज इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उनको बूढ़ा कहा जा सके, वो 67 ईयर्स ओल्ड बट ही डाइड ऑफ कैंसर, वो बहुत दिनों से लिवर की प्रॉब्लम्स वगैरह में थे, बीमार थे और जब उनकी डेथ हुई तो उसे एक आध दिन पहले ही डायग्नोज हुए थे ऑफ कैंसर, सो ही पैस्ड अवे। और जूनागढ़ जो है 75 ईयर से जूनागढ़ स्टेट की वही स्ट्रगल चल रही है, और जिस तरह से हमारे पास सिर क्रीक भी है और सिर क्रीक भी गुजरात साइड पे हमारे ठट्ठा साइड पे वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वैसे ही जूनागढ़ भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और मैं क्या बोल सकती हूँ कब तक रहेगी, मगर जिस तरह से हम बोलते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम भी कहते हैं जूनागढ़ इस पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसका